आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज़। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। लगातार बढ़ते मरीजों के चलते स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। देश में बीते 24 घंटे में 3,60,960 नए मरीज मिले। इसके साथ ही देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,79,97,267 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 3,293 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। महामारी के दस्तक देने से लेकर अब तक एक दिन में पहली बार 3,000 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हुई। बुधवार को दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले नए कोरोना मरीज और कोविड से होने वाले मौतों की सर्वाधिक संख्या है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के चलते सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगह शमशान घाट पर जगह नहीं होने के चलते पार्कों में ही शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम जनपद सहारनपुर की। आपको बता दें जिले में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं मिलने वाले नए संक्रमितों के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। वहीं आज फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएस सोडी से मिली जानकारी के मुताबिक सहारनपुर में 413 नए संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद ही आंकड़ा बढ़कर सहारनपुर में 16,119 पहुंच गया, जो कि काफी चिंताजनक है। वहीं अगर राहत की बात करें तो आज 207 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई, जिसके बाद अब जनपद में एक्टिव केस की संख्या 3,546 है। वहीं आज हमें अलग अलग शमशान घाटों से मिली जानकारी के मुताबिक सहारनपुर महानगर में आज कोरोना से 13 मौत हुई, जिनमें से 6 का अंतिम संस्कार अंबाला रोड स्थित शमशान घाट में कराया गया। वहीं 6 अन्य शवों का अंतिम संस्कार हकीकत नगर स्थित शमशान घाट में व अन्य 1 का अंतिम संस्कार नुमाइश कैंप स्थित शमशान घाट में किया गया। सिटी वैप सभी जनपद वासियों से लगातार अपील कर रहा है कि कोरोना से बचाव हेतु सभी सावधानियां बरते, सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें। और ये महत्वपूर्ण सूचना हर किसी को अपने व्हाट्सएप नंबर पर आगे शेयर करें, ताकि हर किसी को ये महत्वपूर्ण सूचना मिल सके। अभी के लिए इतना, एक बार फिर हाजिर होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।